आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपको वीवो के फ़ोन में रूट डिक्शनरी इज़ फुल और एरर ड्यूरिंग पेस्टिंग मेमोरी कार्ड के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप अपनी प्रॉब्लम ठीक करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत से लोगों की यहाँ पे ये एरर आती है कि रूट डिक्शनरी इज़ फुल और एरर ड्यूरिंग पेस्टिंग, तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ डिलीट फोल्डर वगैरह भी करते हैं तो भी यहाँ पे जो है सपोर्टेबल नहीं होता है। तो किस तरीके से आप इसको ठीक करोगे, क्या आपको करना है? तो देखिए, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है अपने डिवाइस के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो है उस फोल्डर को कॉपी करके देखना है। कॉपी अगर ये हो रहा है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे कॉपी करके ट्राई कीजिए। अगर कॉपी भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो चुकी है। ठीक है, करप्ट हो जाती है अगर मेमोरी कार्ड, तो उस केस में यहाँ पे आपको ये इश्यू आती है। जब भी आपका मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है तो उसमें कोई भी डेटा काम नहीं करता है, उसमें से आप जो है डेटा निकाल भी नहीं सकते और डेटा उसमें डाल भी नहीं सकते हैं। तो आपको सीधा सा अपने मेमोरी कार्ड को जो है पूरी तरह से फॉर्मेट करने की ज़रूरत है, या फिर आप जो है किसी दूसरे डिवाइस में अपनी मेमोरी कार्ड लगाकर उसको पूरी तरह से जो है डिलीट कर सकते हैं। सेम टू सेम अगर आपका SSD कार्ड या फिर मतलब आपका इंटरनल स्टोरेज की भी प्रॉब्लम यही है तो आप अपने इंटरनल स्टोरेज को भी पूरी तरह से जो है डिलीट कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में SSD कार्ड में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने SSD कार्ड को जो है पूरी तरह से एक बार रिसीट करके देखिए। जैसे ही आपका फॉर्मेट हो जाता है मेमोरी कार्ड, उसके बाद आपका जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कहीं पर भी किसी भी पेन ड्राइव वगैरह में यहाँ से आप जो है कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं।